मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काला कानून है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से ये काला कानून बना अब तक भारत में 20-25 लोगों की मौत हो चुकी है। जाने मिलिया का अभी का बिहार का बेटा मिराजुद्दीन को पुलिस ने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में घुसकर उसको ऐसा मारा कि अपनी एक आंख से महरूम हो गया। यही सीतामढ़ी का बच्चा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे को हाथ काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 18 लोगों की मौत हुई। अफसोस तो यह है मुझे कि मीरठ में वहां के एसपी ने उनका वीडियो और वीडियो में एसपी साहब कहते हैं, एक मुस्लिम महल्ले में जाकर कहते हैं, तुम यहां का खाओगे और वहां का गाओगे, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते, मैं इस पूरी गली को जेल में डाल दूंगा, तुमको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। मैं मीरठ के एसपी से कह रहा हूं, सुनो, वो जो मुसलमान तुम्हारी वर्दी को देखकर इज्जत कर रहा था, मगर मैं आज किशनगंज से मेरठ के एसपी को पैगाम दे रहा हूं, सुनो एसपी साहब, तुम सुनो मेरी बात को, मेरी बात सुनो। और मेरठ के एसपी का शायद मेरे अल्फाज सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो हिंदुस्तानी छुपी हुई जाग जाएगी, सुनो मेरी बात को। एसपी साहब, मीरठ वो सरजमीन है जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने जो अंग्रेजों के सिपाही थे, जब उनको पता चला कि बंदूक की कारतूस पर गाय की चर्बी लगती है, सूअर की चर्बी लगती है और कारतूस चलाने से पहले उसको अपने मुंह से तोड़ना पड़ता है, तो अंग्रेज फौज के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने मीरठ की खिलाफत करिए। एसपी साहब, वो मीरठ की सरजमीन है और तुम वहां पर ठहर कर हमको कहते हो पाकिस्तान चले जाए। अरे एसपी साहब, अंग्रेजों को गोली हमने मारी थी, हिंदू मुसलमान ने मिलकर मीरठ में मारी थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारी वफादारियों पर शक करते हो? मुसलमान दिख गया तो पाकिस्तान तुमको तारीख है। और मीरठ के एसपी मुसलमानों के बस्ती में जाकर कहता है कि तुमको पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान हम उस वक्त नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? एसपी साहब, तुम अगर हमको लाइन में खड़ा करके गोलियां मार भी दोगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इस मुल्क को नहीं छोड़ने वाले इंशाल्लाह। अब तुम्हारा एक बच्चा मोहम्मद सलमान यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिस तरह हमारे भाई आईपीएस थे, उसकी मां कहती है कि मेरा बेटा सुबह 5 बजे उठता और रात के 12 बजे तक पढ़ता, बीच में नमाज के लिए वफा ले। वो बच्चा अपने घर से निकला, गोली मार दी, पुलिस वाले रेस कर लेकर गए। 18 लोगों की अम्बार वीडियो से
इनकी दुकानों को सील करेंगे, इनकी कारोबार को जब्त करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी पैगाम देना चाहता हूं, योगी साहब, बुलंदशहर में एक पुलिस का इंस्पेक्टर, बुलंदशहर में एक पुलिस का इंस्पेक्टर वर्दी पहना हुआ था, उसको भीड़ ने गोली मारकर उसको शहीद कर दिया। बताओ योगी, तुम्हारी हुकूमत ने मारने वालों के कितनों की जायदाद को जब्त किया?